अस्सलाम वालेकुम जी, आए बैठे वालेकुम जी। सलाम। जरा जल्दी कीजिए प्लीज, आपने देखा बाहर कितना रश है। जी बताएं क्या मसला है, किस मसले के साथ आए आप? मेरा जी सर में दर्द है और मैं काफी थकन महसूस करता हूँ आजकल। मैंने कहा आपसे मशवरा ले लें। अच्छा सॉरी, बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम असलम है जी। असलम। अच्छा, तो आपने कहा कि सर में दर्द है। अच्छा, इसको छोड़े, मुझे आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। बताइए कि नींद ठीक है आपकी? नींद खराब तो नहीं है? जी नींद में कुछ मसाइल आ रहे हैं। पिछले पिछले हफ्ते से मेरी नींद थोड़ी सी खराब है। अच्छा, ये बताएं कि आप ज्यादा उदास तो नहीं रहते? मैं उदास रहता हूँ जी। उदासी भी रहनी शुरू हो गई है, सरदर्द के साथ अच्छा, ज्यादा उदासी होती है। एक एक मिनट रुके, ये गाइड देखनी थी, ये तो रह ही गई है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक मिनट मैं रुकिए ना, जरा एक मिनट। अच्छा चलिए, इसको छोड़ें। तो अच्छा, आप क्या कह रहे थे? जी मुझे तो याद भी नहीं रहा मैं आपको क्या बता रहा था। वो नींद भी मेरी खराब थी, सर दुख रहा था। मैंने कहा आपसे मशवरा ले लूं। तो मैं सिगरेट स्मोकिंग भी करना शुरू हो गया था पिछले देखिए दिनों में ज्यादा। मेरी बात सुनिए, ये जो सिगरेट पीने का है, आपको पता नहीं है कि ये कितनी बुरी आदत है, सेहत के लिए कितना बुरा होता है। तो ये तो अच्छा, एक मिनट जरा रुके। हेलो जी, पेशेंट देख रही हूँ मैं, जरा जल्दी फारिग करती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। जी, असलम साबित हुई, सर में दर्द के साथ आए हैं, देख लेती हूँ। चलें ठीक। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे, स्मोकिंग करते? देखिए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये तो बहुत गैर मुनासिब बात है, आपको कुछ समझना चाहिए। अच्छा चलिए, वक्त थोड़ा कम है। असम साहब, मुझे लगता है कि आपको डिप्रेशन है, तो हमें ना दवाई शुरू करानी होगी। मैं साथ में कोई ताकत की भी दवाइयां दे दूंगी, तो फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जरा 2 हफ्ते के बाद मुझे आके दिखाइए। डॉक्टर साहब चलें, मैं तो अभी दवाइयां नहीं लेना चाह रहा था वैसे। जी जी चलें, आपसे फिर 2 हफ्ते बाद मुलाकात हो। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल आस्क फॉर कमेंट्स एंड फीडबैक। जी, उसने कुछ बताना शुरू किया डॉक्टर सरार, अगर आप चैट पे भी नजर रख लें। जी अरूज का कमेंट है, मेरा ख्याल है ये सब लोग इंडिविजुअली अगर हम शेयर करते जाएं वैसे तो अरूज बता रही है इनके जजमेंटल अप्रोच थी, एक्टिव लिसनिंग नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पेशेंट की तरफ अटेंशन नहीं थी, इंटरप्शंस थी, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो गई, लीडिंग क्वेश्चंस थे, फिजा बता रही हैं। चले, अब हम लेट्स डू अनदर रोल प्ले। वी विल बी प्लेइंग द सेम रोल्स एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू डेमोंस्ट्रेट टू यू अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दिस टाइम अराउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आइए वालेकुम बैठिए। सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा है, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? जी मेरा नाम असलम है। जी असन साहब, मैंने अभी स्टाफ को कह दिया है किसी और पेशेंट को अंदर ना आने दें, और मैं ये जरा फोन भी ऑफ कर देती हूँ ताकि हम तसल्ली से आपकी सेहत के बारे में बात कर सकें। और मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि ये हमारी एक गाइड है, इसमें ऐसे अहम पॉइंट्स होते हैं कि आपके मुआयने में कोई कमी ना रह जाए, तो मैं साथ में नोट करती जाऊंगी। जी, तो आप बताइए कि कैसे आना हुआ आज, क्या वजह बनी आने? मैं जी कुछ हफ्तों से महसूस कर रहा हूँ मेरा सर बहुत दुखता है, थकन रहती है। तो मैं सोच रहा था उस बारे में मैं आपसे मशवरा ले लूँ, तो इसीलिए आया हूँ आपके पास। आप अपने मसाइल की, अलामत की थोड़ी तफसील बता सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं तकरीबन दो मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते हो गए, मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट याद भी नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी याददाश्त भी मेरी कमजोर हो रही है। लेकिन सर दर्द करता है और ज्यादातर दिन में रहता है, और उसके साथ मैं थकन भी महसूस करता हूँ। काम में मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बिजनेस मैन हूँ आजकल। तो मेरे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे थे, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि ऐसा महसूस होना शुरू हो गया। गुस्सा भी आता है, ऐसा ही है। जी असम साहब, मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि काफी मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं, और इन अलामात ने शायद आपके लिए काफी दिक्कत पैदा की हुई है।
आप क्या समझते हैं कि इन मसलों का हल किस तरीके से हो सकता है? आपके जहन में क्या सोच आती है? मसलों का हल जी मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये अब थोड़ी सी मेरी अलामतें ठीक हो जाएं तो शायद मैं खुद भी कुछ सोच पाऊँ। कुछ रिसोर्सेज हैं मेरे पास शायद जो मेरी हेल्प कर सकें। पहले मैं इनसे बड़ा परेशान हुआ हूँ कि मेरी नींद भी नहीं ठीक है और सर भी नहीं मुझे काम करने देता। हसन साहब, आपने जो अलामत बताई वो एक बीमारी जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं उसकी अलामत से काफी मिलती जुलती हैं। मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा वक्त लेके डिप्रेशन के बारे में तफसील से बात करें ताकि फिर हम उसके इलाज के बारे में आपको मालूमात दे सकें और आप अपने लिए अच्छा फैसला कर सकें। है? आपका बहुत शुक्रिया। सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड अगेन ओपन फॉर कॉमेंट्स प्लीज।